रंगे हकीम में जो दूसरा सूरा है जिसका नाम है सूरे बकरा, जो 12.5 के लगभग है, सबसे बड़ा सूरा सूरे बकरा ही का है, इसलिए कि इसमें 286 आयतें हैं और 12.5 यानी हरीफ लाम मीम सैकूल और तिलका रसूल, ये तीनों इसी में ये मदीना मनवरा में नाजिल हुआ। सूरे बकरा, बकरा के माने होता है बैल और गाय, दोनों चीज को बकरा ही कहते हैं। बकरा मतलब ये बकरी वाला बकरा नहीं है, यानी सूरे बकरा इसका नाम इसलिए है कि गाय और बैल का इसमें जिक्र है, इसलिए इसका नाम है सूरे बकरा। ऐसी सूरे बकरा में ही खास करके रोजा के बारे में जिसको सयाम कहते हैं, इसमें एक आयत आया है, उसमें कहा गया है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सय्याम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअ'दूदात। ये आयत पूरा हुआ कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम लोगों पर भी रोजा फर्ज किया जाता है जैसे अगले लोगों पर भी फर्ज किया गया था, इसलिए कि अगले लोगों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी हर नबियों हर रसूलों के ज़माने में ये जो है सयाम यानी रोज़ा जो है चला आ रहा है। रमज़ान का जो महीना, इसमें खास करके आज जो हम लोग 21 रमज़ान रमज़ानुल मुबारक, आज ही के दिन पहली वही 10 अगस्त 610 इसमें पहली वही नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मे रब्बकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इसलिए इस महीने का जो है मर्तबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि ये महीना रमज़ान का है, इसलिए इस पर पहले तफसीली बात होगी कि रमज़ान है क्या, रोज़ा क्या है, शरीयत में क्या है, तरीकत में क्या है, हकीकत में क्या है, मार्फत में क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो जो इसमें आयत आया है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू, यानी तुम पर जो रोज़े फर्ज किए जाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सय्याम यानी अगले किताबों में भी था, यानी अगले लोगों पर भी था और तुम लोगों पर भी फर्ज किया गया है, इसका वजह क्या है। वजह यह है कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बने, ये मुत्तकी और परहेजगार बनने के लिए। लेकिन अगर कोई मुत्तकी और परहेजगार 30 रोजा रखने के बाद भी नहीं बनता है, तब तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। जो मकसद अल्लाह का है, अल्लाह का मकसद रोजा रखवाने का इसलिए है कि आप मुत्तकी और परहेजगार बने। लेकिन एक महीना लगातार रखने के बावजूद भी अगर आप मुत्तकी और परहेजगार नहीं होते, तब तो वो फायदा नहीं हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर जो मुत्तकी और परहेजगार ही हो गया तो फिर उसको रखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये कब कहा जाएगा कि जब मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा, तब ऐसा नहीं कि भाई हम तो हो गए तो आप कायल रखेंगे, ऐसी बात नहीं। आपको शरीयत के हिसाब से चलना है। शरीयत में जो बात कुरान हकीम में आया उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मना नहीं कर सकता, तो उसको बदल नहीं सकता, तर्जुमा को बदल सकता है, लेकिन जो उसका लफ्ज है उसका मानी यानी जो जितने भी अर्फ है उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए आया है कुतिबा अलैहिमुस सय्याम, कुतिबा अलैकुमुस सय्याम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कह लो अब तुम लोगों पर भी फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। उसके बाद है अय्यामन मअ'दूदात, जो गिनती के कुछ दिन, 30 रोजे के बारे में नहीं आया, गिनती के कुछ दिन, अय्यामन मअ'दूदात यानी गिनती के थोड़े दिन, 30 दिन का जिक्र नहीं आया। लेकिन 30 दिन हुआ कैसे, इसलिए कि हर चीज़ का खुलासा अल्लाह को प्राप्त करता नहीं, उसको अल्लाह के रसूल ने इसको किया। इसमें फिर एक आयत आया कि अगर तुम नहीं रख पाते हो
तो एक फकीर का खाना खिला, अगर तुम मुसाफरत में हो तो भी तुमको छूट है, इससे भी अगर नहीं हो पाता है तो बाकी टाइम में फिर रख लो। इसके अलावे है कि इस महीने के अलावे भी आप ज़िलहिज्जा के महीने में भी रख सकते हैं और रखना ज़्यादा उसमें ज़्यादा फायदा। अगर किसी का रमजान छूट गया तो वो बकरीद का जो चांद नज़र आता है ज़िलहिज्जा, पहली तारीख से नौवीं तारीख है आप रख लीजिए तो 2 साल के बराबर हो जाए। कितना दिन का होगा? 2 साल के बराबर। अगर आपका 8 दिन भी नहीं होता है और सिर्फ 9वीं तारीख का रोज आप रख लेते हैं तो भी आपका 2 साल के बराबर होता है, जैसा हदीसों में आया, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक छूट और भी दिया अल्लाह ने, तो मकसद ये है कि आप मुत्तकी और परहेजगार बने। लेकिन मुत्तकी और परहेजगार अगर नहीं बनते हैं तो 30 दिन रखिए, 36 दिन रखिए, सालों भर रखते रहिए, तमाम जितनी खराबियाँ हैं सब करते जाइए तो रोज़ा आपका कामयाब नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात आई है कि ऐ ईमान वालों, शरीयत में जो फर्ज है इससे कोई इनकार नहीं, किसी को इनकार नहीं, पूरे दुनिया कोई इसको काट सकता है, या ही होगा नाम। लेकिन आए लोगों जो ईमान लाया, लेकिन जो ईमान लाया ही नहीं उस पर कैसे फर्ज होगा? अब रहा ईमान है क्या, इस पर भी जोर देना होगा कि भाई सब कहते हैं हम तो ईमाने वाला है, ईमान आप लाया कैसे और किसके हाथों पर लाया, कौन आपका गवाह है कि आपने ईमान लाया? तो जो कहीं से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो गवाह मजबूत है कि भाई हमने इनके हाथों पर कलमा पढ़ा, गवाह मजबूत है। तो इन लोगों को ईमान वाला कहा गया। ऐसे सभी लोग दावा करते हैं हम लोग ईमान वाले, लेकिन कोई उसका गवाह मौजूद नहीं है, न यहाँ गवाही दे रहे हैं न वहाँ गवाही दे रहे हैं। तो हम लोगों के लिए खासकर जो यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं ये तो ईमान वाला है और ईमान वाले के लिए है। तब आइए कि शरीयत में जो ये बात आई कि आप पर रोज़ा फर्ज किया गया, तो इसको छूट दिया अल्लाह ताला ने इस तरह कि आज से 1400 साल पहले और उससे पहले जो रोज़ा था वो ईसा के वक्त से शुरू होता था। ईसा के वक्त से पहले आप खा लीजिए और उसके बाद फिर अगले दिन जब ईसा हो तब जाके फिर रोज़ा खोलिए। तो उस वक़्त बहुत कड़ा था, तो अल्लाह ने समझा कि नहीं भाई इस ज़माने में लोग नहीं थमे, इसलिए कि 50-60 साल उम्र ये होगा तो कैसे थमे, इसलिए इसको कम किया गया। फिर भी इसमें आया वो कुलूब आसरू हता था भाई अला कोमल खीतु अला भाई जो मेरा खीतु अल्लाह मेरा फज सुम्मा अतीम सयाम अल्लाह, खाओ पियो रात में सुबह की धारी नज़र आने तक, उस वक्त घड़ी नहीं था इसलिए कहता 3:32 तक खा लीजिए, ऐसा नहीं था, उस वक्त था कि सुबह की धारी नज़र आने तक खाओ पियो और उसके बाद रोज़ा पूरा करो रात तक। लैल माने रात होता है, लैल माने शाम कभी नहीं होता। किसी ने कहा कि भाई शाम हुआ था रातें हो गया, इसका खुलासा तो हदीसों में किया कि ठीक है शाम हुआ तो हो गया, लेकिन लैल के माने रात होता है शाम नहीं होता, इसलिए पूरा करना है रात तक। ये भी सर पूरा नहीं लोग कर रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं भाई हम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है इसलिए जो कर रहे हैं वही ठीक है, जो करने ठीक थोड़े होगा, जो कर रहा है वो ठीक है, जो अल्लाह का कलाम है वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं। इसलिए कि लैल लग जाया हता था भाई अल्लाह को खींचो वाला भाई जो मेरा खींचो अलत बदे मेरा फल सुम्मा तेमो सयाम अल लैल, यानी रोज़ा को आप पूरा कीजिए रात, एक हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप मगरिब के बाद अल्लाह अकबर होने के बाद खोल लेते हैं, इसलिए नहीं हुआ, ये भी सही नहीं हुआ, कबूल हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं। 12 अब आइए नंबर 3, तीसरी आयत में वहिल्ला लकुम लैलत सयाम रफ्स वाला नसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम वअंतुम लिबासुन लहुन्ना, वहिल्ला लकुम लैलत सयाम रफ्स वाला नसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम वअंतुम लिबासुन लहुन्ना, यानी हलाल किए मैंने रात के रोजे। अब रात के रोजे को हलाल किया तो दिन को क्या किया, कुछ इसका मानी अलग है, यानी रात के रोजे को भी हलाल किया गया। कि बहुत से लोग जो है कुछ अजब तरह का सोच लेते हैं, मुल्ला का अलग सोच है, अल्लाह का अलग सोच है, वलियों का अलग सोच है, मोमिनों का सोच अलग है,
सबका अलग अलग सोच है। कोई समझता है कि फरिश्ता बन जाते तो बढ़िया, तो अगला तुमको आदमी बनने के लिए कहा है कि फरिश्ता बनने के लिए, रात दिन तुम रोजे रखो सुभान अल्लाह करते रहो तो फिर आदमी बनने का फायदा। अल्लाह ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया, ये फरिश्ता को बनाया, तो आपको इंसान को बनाया है। कुछ लोग ऐसा किए थे बुजुर्ग सरवरे कायनात के ज़माने में, कुछ लोग बड़े बड़े जो सहाबा थे एक तरफा एक तरफ जाके बैठ के कहा कि भाई हम लोग जो है बहुत गुनहगार हैं, ऐसा काम करें कि आज से हम लोग कसम खा लें कि नहीं तो हम गोश्त खाएंगे, नहीं तो हम घी खाएंगे, नहीं तो हम दूध खाएंगे, नहीं तो हम अपने बीवी से मिलेंगे और ना हम और घर तक जाएंगे। इस सब को छोड़ देना है भाई, खाली हमको अल्लाह अल्लाह करते रहना है और इस पर कसम भी खा लिए। उसमें 10 सहाबी थे, तो जब ये बात हुजूर सरवरे कायनात को मालूम हुई तो लोगों को उन सबको बुलाया गया, कहा कि सुनो हम रोजा भी रखते हैं, अवतार भी करते हैं, हम जो है खाना भी खाते हैं, लैट्रिन भी करते हैं, हम जितना भी दुनिया का काम है शादी भी करते हैं, बीवी के साथ भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, यानी दुनिया का काम सब करते हैं, खाना भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, घी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं। जब हम सब ये काम कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं करेगा? जो ऐसा नहीं करेगा वो हमारे इस्लाम से खारिज। तुरंत सहाबी लोग चौंके, हुजूर हमने कसम खा लिया था। कहा किससे पूछ के कसम खाया था? अरे हमसे पूछता था ना जी, पूछा क्यों नहीं? तो हुजूर गलती हो गई तो कहा कि इसका जो है खामियाजा, यानी आप तौबा कीजिए और बिना सोचे समझे आप फरिश्ता बनने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ अल्लाह ने आदमी को आदमी बनने के लिए भेजा है और आदमी ही अशरफुल मखलूकात है। आपका अशरफुल मखलूकात जितने भी फरिश्ते नहीं है, जिन नहीं है, कोई मखलूक नहीं है। आदमी कैसे बनोगे ये तरीका अल्लाह ने बताया और उस तरीके को समझाएगा कौन? उस तरीके को हम समझाएं। बिना हमसे पूछे तुम लोग कसम खाए खा लिए, इन्हें करेंगे उन्हें करेंगे, नहीं रोजा भी रखो, अवतार भी करो, घी भी खाओ, दूध भी खाओ, गोश्त भी खाओ, सब कुछ खाते हुए रोजा भी रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हम एक जगह बैठ करके जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, जो घर दरवाजा कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ मजहब इस्लाम में ही ये ज़रूरत है, मसलन इसी इस्लाम में ही ये सहूलियत है कि तमाम काम करते हुए आप अल्लाह अल्लाह भी कीजिए और जन्नत और फिरदौस का वारिस भी बन जाए। तो ये सबसे बेहतर इस्लाम है। कुछ लोगों में ऐसा गया है, बहुत से मजहब ऐसे हैं जिसमें जंगल में चले जाइए, लंगोटा बांध के पड़े रहिए, बहुत सारे लोग ऐसा किए साधु बन जाइए। ये तरीका इस्लाम ने नहीं बताया कि तुमको लंगट सिंह बनने के लिए नहीं कहा है। इसी को समझाने के लिए कृष्ण भगवान आया कि हम 300 शादी कर रहे हैं, तुम लोग कायम करेगा? उस जमाने में लंगोटधारी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कृष्ण भगवान को बनाकर भेजा। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इस्लाम में सारी बातें हैं और सच्ची बातें हैं और सब कुछ करने का है, लेकिन शर्त है कि आप सच्चाई से सारा काम कीजिए और मजहब इस्लाम के लिए सब कुछ कीजिए। दुनिया का सारा काम करते हुए भी आपको एक नंबर में मजहब इस्लाम को, अपने रसूल को, अल्लाह को रखना होगा। इसलिए कि मोहब्बत ही फैलाने का हुक्म दिया गया है, मोहब्बत के लिए ही इंसान को पैदा किया गया है। हर आदमी एक दो प्रेमियों के प्रेम का ही फल है, बिना दो प्रेमी के एक आदमी आ नहीं सकता है, यानी दो प्रेमियों का प्रेम का फल है आप। इसलिए आप प्रेम करना सीखिए, यानी मोहब्बत करना सीखिए, मोहब्बत कीजिए भी, मोहब्बत करने का तरीका भी बताइए। यही इस्लाम ने बताया है कि मोहब्बत को फैलाओ, जो मोहब्बत को फैलाएगा वही जन्नत और फिरदौस का वारिस होगा, जो नफरत को फैलाएगा वो 50 टाइम पड़ेगा तो भी नहीं जा सकता है। इसलिए कि वो नफरत को फैला रहा है और नफरत को फैलाने वाले को ही मुनाफिक कहा जाता है। देखने में बहुत कुछ है, इसलिए उससे परहेज कीजिए, नफरत नहीं फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए, चाहे किसी मसलक का हो, आप किसी बरादरी के हैं, लेकिन इस्लाम में सब एक। जो जितना मुत्तकी है, जो जितना परहेजगार है, वो आदमी उतना बेहतर है, चाहे वो बिरादरी कुछ भी हो। खाली मजहब इस्लाम में ही ये बात है।